पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी। दिन वागे नत मोरे घिस रहिया ताकत नैना रे दिन वागे नत मोरे घिस लियो मेरे आके रहिया ताकत नैना ढुरै दिन वागे नत मोरे घिस लियो मेरे आके रहिया ताकत नैना ढुरै रे बिरसिया। तो बहुत पहले की बात है, हम बहुत छोटे थे और रेडियो पर एक गाना आ रहा था और हम भागते हुए माँ के पास गए और मैं माँ को बोले कि माँ देखो ना कितना सुंदर गाती हैं लता मंगेशकर, कितनी सुंदर आवाज़ है। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रेवलेशन हुआ उस दिन। माँ हंसते हुए हमको बोली बेटा ये लता मंगेशकर जी की आवाज़ नहीं है, ये सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ है। हम पहली बार ये नाम सुन रहे थे अपनी लाइफ में और हम एकदम स्टंड थे बिकॉज द वे शी इज सिंगिंग एंड हमको लग रहा था ऐसे कैसे पॉसिबल है। बट देन हम बड़े हुए, हम इस पर बहुत उनको ढूंढे, उन पर बहुत रिसर्च किए और हमको इतनी खुशी हुई ये जानकर कि भोजपुरी फिल्म में सुमन कल्याणपुर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जिस फिल्म का हम गाना गा रहे हैं, इस फिल्म का नाम है विदेशिया और इसका ये गीत दिनवा गिनत ये इतना सुंदर सुनाई देता है। ऑल द सॉन्ग्स इन दिस फिल्म आर आउटस्टैंडिंग बट ये खास करके क्योंकि इसमें बहुत दिल का दर्द है एक औरत का और इतने प्यार से सुमन जी ने गाया है इसको और ये फिल्म एक और वजह से बहुत खास है। आई टेल यू खास बात एक और ये है कि एक तो इस फिल्म का नाम है विदेशिया जो कि भिखारी ठाकुर जी से इंस्पायर्ड है, उनके नाटक से इंस्पायर्ड है और सबसे स्पेशल बात है कि इस फिल्म में स्वयं भिखारी ठाकुर जी फीचर कर रहे हैं एक गाने के लिए, एक सीन के लिए वो खुद आते हैं इस फिल्म में। हमको अगर ये फिल्म नहीं होता तो हम शायद भिखारी ठाकुर जी को ऐसे लाइव वीडियो में नहीं देख पाते। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है भिखारी ठाकुर जी का।
करजवा में कर कई बिरह बेस बनवा के कुछ कल नजरे मोहे घुरै रे वागे नत मोरी घिस लियो मेरे आके रहिया तकत नैना ढुरै रे बेदसिया के दिन वागे नत मोरी घिस लियो मेरे आके रहिया तकत रहे।